हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और सॉरी फॉर दैट कि आज मैं सुबह सुबह से अपना कोई व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि आज मैं गया हुआ था बाहर अपने फ्रेंड के साथ बिना घर वालों को बता के। और अभी अभी मैं गाड़ी पार्क करके आया हूँ, जैसे कि ताऊ जी के घर पे करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत डर, क्योंकि मैंने आज किसी को भी नहीं बताया था मैं कहाँ जा रहा हूँ। और घर वालों ने फ़ोन करे तो मैंने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा था, क्योंकि अगर फ़ोन ऑन करता तो मुझे उसी टाइम आना पड़ जाता। तो अभी भी आया जैसे कि गाड़ी खड़ी करके, और मुझे लग रहा है डर क्योंकि मेरी लगेगी क्लास आज। और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। बस भगवान करे ये गेट खुला रहे, क्योंकि उसको खोलना तो आवाज़ आएगी वहीं से, मम्मी चिल्लाना चालू कर देगी मेरे ऊपर। तो इस गेट को खोलते हैं, प्यार से चलते हैं अंदर। चप्पल ही तो आराम से बस। हो गया गेट पर, और अभी चलता हूँ अंदर। और जैसे कि मम्मी जी है नहीं यहाँ पे, मैं अपना फ़ोन यहाँ रख देता हूँ, चोरी छुपी किसी को पता भी नहीं चलेगा फ़ोन रखा हुआ है। अमित लेके गया था, अमित है तू लेके गया था ना बाहर, कितनी लेके गया वो? लेके गया था ना, मैं तेरा कुआं त्रिटांगन काट दूंगी, बता दिया मैंने। आज के बाद मेरे को बाहर नहीं दिखाई देना चाहिए, चाबी अभी दूंगी मैं तेरे को, चाबी तेरे को ज्यादा वो हो गया ना तू। मैंने क्या किया, बस अमित के साथ तो गया था। क्यों गया अभी ना बताए, सुबह सुबह जल्दी से निकल गया हम। तेरे को पता घर का काम है, मम्मी बीमार है, रसोई का काम चला, अपने आप करना था मम्मी। वो तो सर ऊपर ऊपर का करेंगे, साफ सफाई हुआ नहीं करेंगे नीचे से। दोस्तों कर देता हूँ मैं, आज ही तो नहीं थी बस। ठीक है आज के बाद नहीं जाएगा, बता दिए मेरे को, ना डाल काट दूंगी तेरी, ना चाबी दूंगी आज के बाद तेरे को मैं, ना चाबी चाहिए डेली 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 डेली, नहीं जाऊंगा घर में। नहीं उम्मीद दिखाई दे रहा, काम है कुछ है, बस डक 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 है। आज ही तो गया था इतने दिन में, बोल भी रहा हूँ आगे से नहीं जाऊंगा। तू गया कैसे? नहीं जाऊंगा ना आगे से। गाइस जैसे ही आप लोगों ने देखा बहुत ज्यादा डांट पड़ी, और अभी तो पापा भी अंदर, और देखते हैं पापा का क्या रिएक्शन। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं पापा के पास, क्योंकि बहुत मारेंगे। और ठीक है मम्मी ने तो सुनाया बहुत ज़्यादा, लेकिन पापा बहुत ज़्यादा मारेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा अंदर। और चाबी भी दे दी जैसे कि मैंने मम्मी को, और नहीं तो चाबी नहीं देता था मम्मी जी, बहुत मारती मुझे। और ठीक है चाबी दे दी, और अमित भी आया हुआ है बाहर, और इसने भी थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया मेरा, कि इसने बोल दिया कि मेरे साथ गया हुआ था, तो इसके लिए भी मैं बच गया हूँ थोड़ा सा। नहीं तो आज अच्छे से धुलाई हो जाती मेरी, और कल से कहीं भी जाऊंगा तो बता के जाऊंगा, लेकिन बता के जाता हूँ गाइस, घर वाले जाने नहीं देते हैं कहीं भी। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा, मैं घर ही पे रहता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि घर वाले मुझे अलाउ ही नहीं करते हैं बाहर जाने के लिए। और देखते हैं कल क्या प्रोग्राम है और कल का क्या सीन है। और गाइस जैसे कि अमित आया था और मुझे पड़ रही थी उस टाइम डांट, तो अमित ने सुना थोड़ा बहुत, और अमित भी भाग गया है। अब मैं देखता हूँ अमित कहाँ है। तो गाइस आप लोगों ने देखा अमित का भी रिएक्शन, वो भी थोड़ा सा अपसेट हो गया और बोल रहा है कि वीडियो को बंद कर दे। तो
ठीक है जैसे हुआ मिलते हैं आगे थोड़ी देर बाद खाना खुना खाने के बाद। तो गाइस मैं आया हुआ था अभी जैसे कि रसोई के अंदर, क्योंकि मैंने अभी अभी खाई है रोटी और टाइम हो गया 11:05 का। और गाइस बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है मम्मी से भी और पापा से भी, तो और अभी भी मम्मी अंदर जा रही हैं जैसे कि, और सुनाई जा रही है कुछ ना कुछ, तो सुननी पड़ेगी डांट। गलत काम तो किया है बिना बताए गए थे, और वो भी गाड़ी लेके, क्योंकि गाड़ी में मुझे रगड़े देते नहीं हैं जब पापा मम्मी साथ में जाते हैं, जब भी मुझे गाड़ी मिलती है और कभी कभी दे देते हैं, लेकिन बिना बताए लेके जाना बहुत बड़ी मूर्खता होती है, बहुत सुनना पड़ता है गाइस। और अमित भी बहुत ज़्यादा डर गया था जिसके आप लोगों ने उसका रिएक्शन देखा था। तो करते हैं इस व्लॉग यहीं पे एंड, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। बुश बम और बूम।